ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और आज हम फिर से एक ब्रश को रिव्यू करने वाले हैं जो कि है फायरमैन का शेव इजी शीशम शेविंग ब्रश फ्रॉम द वेबसाइट thefirelife.com। तो आइए इसको रिव्यू करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका पैकेजिंग कैसा है। तो आप देख सकते हैं पेपर टाइप का ये पैकेजिंग है। स्टडी शीशम वुड, एनिमल फ्रेंडली ब्रिसल्स, एक्सपीरियंस द क्लासिक शेव, और इसमें 100% वेगन ये दिया हुआ है। ओके, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का। फिर यहाँ पे तो खैर ये चल गया है, स्क्वीज आउट, लादर अप, ग्लाइड ऑन, फील द स्मूथ, ऐसा दिया हुआ है। तो लेट्स फेस लादर करके देखते हैं इससे, और ब्रश भी देखते हैं। इसके कुछ डायमेंशंस वगैरह तो कुछ मेंशन किए नहीं है इन्होंने। 249 रुपीज़ का मेंशन है, बट 185 का मिल गया था ये अमेजोन पे जब मैंने लिया था। इस टाइप का कुछ ये दिखता है ब्रश, आप देख सकते हो फायरमैन का यहाँ पे लोगो है, शीशम वुड का हैंडल है, और इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट है। आप इसको अगर पिंक वूल के ब्रश से कंपेयर करके बताऊं तो आप देखेंगे इसके ब्रिसल्स कैसे हैं। सो ये देखिए, ये जो है फायरमैन का है, ये पिंक वुल्फ का ब्रश है। अब आप अगर इसको कंपेयर करें साइड बाय साइड तो आप देखेंगे कि पिंक वुल्फ का जो नॉट है, जो पूरा ये लॉफ्ट है, ये बड़ा है और फायर का छोटा है। ब्रिसल जो है वो पिंक वुल्फ के और फाय के लगभग एक बराबर ही सॉफ्ट है। लगभग पिंक वुल्फ के मुझे थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, मे बी बिकॉज की जो इनकी डेंसिटी वो शायद से थोड़ी सी अलग हो सकती है। कलर में भी थोड़ा सा फर्क है, और ये थोड़ा हल्का सा हैवी है, मतलब बिल्कुल हैवी नहीं है, बट इस एज कम्पेयर टू पिंक वुल्फ हल्का सा हैवी है। और पिंक वुल्फ का डेफिनेटली ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका भी सॉफ्ट ही है, इसका भी सॉफ्ट है। और अभी फेस लादरिंग करेंगे इससे तो पता पड़ेगा आपने को एग्जैक्टली कैसा क्या परफॉर्मेंस है वुड हैंडल। ठीक है, तो आइए फेस लादरिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी चेहरे पे लगा लेता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। और आज जो मैं शेविंग सोप यूज़ कर रहा हूँ वो है हजामत का शेविंग सोप, मॉइस्चराइजिंग शेव सोप, नॉर्मल स्टैंडर्ड लग्जूरियस शेव इन बजट, जैसा पिंक वुल्फ का है वैसे ही हजामत का है। तो आज इसको यूज़ करने वाले हैं एटलीस्ट फेस लादर करने के लिए। ब्रश को मैं गीला कर लेता हूँ फटाफट। ब्रश हो गया गीला, एंड एक्स्ट्रा पानी पूरा जो है वो निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, और अब ये बिल्कुल ब्लूम वगैरह कुछ नहीं किया है, सोप को जैसा था वैसा ही है। 15 बार घुमाएंगे। ये हो गया 15 बार हमने घुमा लिया, और अब चालू करते हैं फेस लादरिंग। वेरी नाइस, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, आराम से जो है लादर हो गया। एंड इतना लादर है अभी भी ब्रश में, आप देख सकते हो चेहरे पे भी काफ़ी सारा लादर है। सोप भी खैर काफ़ी अच्छा ही है हजामत का, और आराम से लादरिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल नाइस लादर प्रोड्यूस्ड बाय दिस ब्रश। आप देख लेते हैं कि इसमें और कितना जो है लादर ब्रश में बचा हुआ है। तो एक पास का तो लगभग बन ही गया, और इन एडिशन टू दैट लगभग इतना लादर और है, देख सकते हो आप। इससे आराम से एक हाथ पास और हो सकता है। वो क्या कॉम्पैक्ट है इसलिए ऐसा दिखता है, लेकिन उसको अगर आप स्प्रेड करोगे हाथ पे तो पूरा प्रॉपरली दिखेगा। अभी तो खैर थोड़ा डिसिपेट भी हो गया क्योंकि मेरे हाथ मॉइस्चराइज नहीं है इसलिए, बट है लादर वगैरह सब बढ़िया है। ब्रश इस टाइप का हो गया स्क्वीज करने के बाद में लादर। तो आइए अब बाकी की बातें करते हैं। अब इससे जब लादर निकाल लिया और इसको हल्का सा सिर्फ ऐसे पानी निकाला तो इस टाइप का कुछ हो गया। इसमें पोछ पोछ लेंगे तो वापस ये अपने ओरिजिनल ड्राई फॉर्म में आ जाएगा।
मतलब सब कुछ मेरे को इस ब्रश के बारे में अच्छा लगा, सिर्फ एक चीज मेरे को सिर्फ ड्रॉबैक लगती जो मेरा एक्सपीरियंस है वुड हैंडल ब्रशेस के साथ में, कि अगर इनका वार्निशिंग वगैरह प्रॉपरली किया नहीं गया अगर हैंडल का, तो ये जो है ना जो फंगस लगने के चांसेस होते हैं इसमें, इस ब्रश में तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इसका वार्निशिंग वगैरह किया हुआ लग रहा है, कोटिंग भी चढ़ी हुई दिख रही है, अगर आप इस तरफ देख पाए तो कोटिंग टाइप की दिख रही है चढ़ी हुई प्लास्टिक काइंड ऑफ, तो वही इसका वार्निश वगैरह है। और एक और ड्रॉबैक होता है कि लकड़ी जो है वो सीजन के हिसाब से या तो फैलती है या सिकुड़ती है, तो अगर फैले तो ये नॉट निकल सकता है, सिकुड़ जाए तो फिर वो तो नॉट और कैप्चर करेगा, मतलब ठंडी के टाइम पे सिकुड़ती है लकड़ी तो नॉट कैप्चर करेगा, लेकिन बारिश या गर्मी के टाइम पे लकड़ी फैलती है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको संभाल के देखना पड़ेगा। अगर नॉट ढीला वगैरह हो जाए तो फिर आपको इपॉक्सी से देखना पड़ेगा कैसे लगाना है, वीडियो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बताया हुआ कैसे आप इपॉक्सी यूज करके लगा सकते हो अपना नॉट हैंडल में। तो ठीक है, ओवरऑल ये ब्रश मेरे को अच्छा लगा 185 रुपीज में, ये भी एक बजट ब्रश है। अगर मेरी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती तो मैं पिंक वुल्फ ही यूज करता, या फिर मुझे अगर बड़ा लॉफ्ट पसंद है तो मैं पिंक वुल्फ यूज करता। मैं फाय का ब्रश भी यूज करना प्रिफर करूंगा कभी कभी रेगुलर शेव्स में ही, लाइक हफ्ते में 2-3 बार अगर शेव करना है और आपको फेस लादरिंग करनी है तो आप बिल्कुल फाय के ब्रश से कर सकते हैं, बट पिंक वुल्फ का ब्रश जो है ये स्पेसिफिकली मैं फेस लादरिंग के लिए यूज करूंगा, और रेगुलर शेव्स या हफ्ते में 2-3 शेव्स हो उसके लिए, दोनों के लिए ही मैं पिंक वुल्फ का ब्रश यूज करूंगा। ओवरऑल मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है फाय के ब्रश से, आई लाइक इट, एंड आने वाले वीडियोज में हम दोनों ब्रशेस को जरूर यूज करेंगे, और ज्यादा टेस्ट करेंगे और ज्यादा ओपिनियन बनाएंगे इन दोनों के ऊपर। तो 185 रुपीज में अगर ये ब्रश अवेलेबल हो रहा है आपको तो यार मेरे हिसाब से तो ठीक है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है एक प्रकार से, रादर देन वो नायलॉन वाले ब्रिसल्स के ब्रशेस जो आते हैं जो थोड़े और कम प्राइस रेंज में आते हैं, लगभग 60 रुपए के आसपास के वो ब्रशेस होते हैं, लेकिन उनके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो नायलॉन ब्रिसल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो वो चुभने का जो है प्रॉब्लम वो उनसे हो सकता है, काफी ज्यादा हो सकता है, तो खैर उसकी अलग टेक्निक है। और फिर यार अगर आप वो सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हो तो ये जो ब्रशेस है ये बिल्कुल बिंदास आप यूज कर सकते हो, ये अच्छे ब्रशेस है, खास करके पिंक वुल्फ वाला फाया वाला भी, लेकिन दीज ब्रशेस आर रियली गुड। नायलॉन ब्रिसल्स में क्या होता है, एक तो चुभते हैं, फिर उसके बाद में वो फ्लॉपी भी हो जाते हैं, मतलब उतना लादर होल्ड नहीं कर पाते वो, और फिर उनका जो लादर बनता है वो डेंस क्रीमी टाइप का नहीं बनता, वो थोड़ा ज्यादा फ्लफी और ऐसा एयर भरा हुआ बनता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, डिसिपेट होने के भी चांसेस होते हैं, पर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है। अदरवाइज ये फाय का ब्रश भी बजट में है, पिंक वुल्फ का ब्रश भी बजट में है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, लिंक्स आपको खैर सबकी मैं दे ही देता हूँ वीडियो में तो आप देख सकते हो। अदरवाइज या आई एम वेरी गुड विद दिस ब्रश, मतलब आई एम ओके विद दिस ब्रश, मैं इसको जरूर यूज करूंगा, इट्स ए नाइस ब्रश, लुक वगैरह बहुत बढ़िया है इसका, एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली इन टू वुड हैंडल्स, अगर आपको लकड़ी के हैंडल वाले ब्रशेस पसंद है तो आप जरूर इसको ट्राई करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे, कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।